जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th रिज़ल्ट 2020, आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पांच तरीके ऐसे हैं सीबीएसई 10वीं का या फिर 12वीं का। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 10वीं के रिज़ल्ट की। तो 10वीं का रिज़ल्ट आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कैसे चेक करना है। पाँचों तरीके आप लोगों के लिए बेस्ट है ना। तो अगर आपका एक तरीका काम नहीं करता है या वेबसाइट वाला जो काम नहीं करता है, ठीक है, या ऐप वाला काम नहीं करता है, तो आप लोग पांच तरीके में से एक ना एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लोग जो है अपना रिज़ल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, पहला जो तरीका है वो है वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट है जो सीबीएसई की, cbse.nic.in, ये पहली वेबसाइट है। दूसरी है आपकी cbserizult.nic.in। ठीक है, दो वेबसाइट, मतलब वेबसाइट में अगर बात करें तो दो वेबसाइट है जो कि ऑफिशियली वेबसाइट है। ये पहला तरीका हुआ। ठीक है, आप अपना रिजल्ट इस पर देख सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है ऐप। ठीक है, उसमें जो पहला है आप जो है उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। ठीक है, उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसमें सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ पर सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करेंगे सीबीएसई, तो वहाँ पर आपको रिजल्ट वाला जो पोर्शन है वो दिखाई देगा। वहाँ पर आप अपना रोल नंबर वगैरह डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा हुआ तरीका। तीसरे तरीके की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है, ये भी ऐप ही है। ठीक है, जो कि डिजी लॉकर ऐप है। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से भी जो है अपना रिजल्ट आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हुए जो अपना रिजल्ट आप जो है आसानी से देख सकते हैं। तो ये अगर बात करें तीनों प्लेटफॉर्म की, तो ये सर्वर प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट भी सर्वर के ऊपर काम करती है। ऐप्स जो है, मैंने दो जो ऐप्स बताया वो भी जो है सर्वर के ऊपर काम करते हैं। अगर ये दोनों या तीनों तरीके आपके वर्क नहीं कर रहे हैं तो ये आगे की मेथड आपको जो है ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ पर आगे की मेथड क्या है, रिजल्ट देखने का चौथा तरीका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेलीफोन लाइन। मतलब आप कॉल करके जो है अपना रिजल्ट आसानी से जान सकते हैं। वो कैसे करना है आप लोगों को, यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है 0112430699। ये 10वीं वालों के लिए वर्क करता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इस नंबर जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको कॉल करना होगा। आप जैसे इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी आपकी, कि आप कौन सी क्लास में हैं। ठीक है, आपका रोल नंबर क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब जैसे आप इस जानकारी को वहाँ पर जो है उनको प्रोवाइड करवाते हो, तो वो जो है आपका रिज़ल्ट जो है वहाँ पर आपको फ़ोन के माध्यम से ही बताते हैं। तो इस टाइप से आप, ये चौथा तरीका हुआ कि अपना जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हो। ये वर्क करेगा 100%, ये गारंटी है, जो आप कॉल वाला जो है चौथा तरीका जो मैंने बताया। ठीक है, जो सर्वर वाले तरीके अगर काम नहीं भी करेंगे तो ये कॉल वाला तरीका आपका 100% वर्क करेगा। इसके माध्यम से आप अपना 10वीं का रिजल्ट हो या फिर 12वीं का रिजल्ट हो, इससे आप जो है देख सकते हैं। सिर्फ सीबीएसई 10th रिजल्ट 2020 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अब चौथा तरीका क्या है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं हम लास्ट तरीके, जो कि एक फाइनल तरीका और ये 100% वर्क करता है, डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन से SMS भेजकर। जी, आप लोगों को बता दें, यहाँ पर ये जो नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर है 7738299899, ये जो नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आपको जो है SMS करना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना क्या है आप लोगों को, CBSE 10। ठीक है, फिर आप लोगों को अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, और रोल नंबर लिखने के बाद जो है आप इस जो नंबर है इस पर आप अपना SMS ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद कुछ ही सेकेंडों में आपको जो है एक वापस जो मैसेज है वो भेजा जाएगा, और यहाँ पर आपको रिज़ल्ट जो है उस SMS के द्वारा ही आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कवर किया है कि CBSE 10th रिज़ल्ट कैसे देखेंगे। कुल पाँच तरीके मैंने यहाँ पर बताए हैं। इनमें से अगर आपके साथ जो तरीका काम करता है, या वेबसाइट काम करती है, या ऐप काम करता है, या वो चीज़ें सर्वर वाली जो चीज़ें हैं वो काम नहीं कर रही है, तो आपको करना क्या है, सीधे नंबर पे कॉल करके करना है या फिर SMS करना है। तो ये तरीके थे, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।